जो लोग अपना बिजनेस करने के लिए संजीदा हैं और चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसको स्टार्ट करने के बाद उनकी जिंदगी रियल में बदल जाए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे फार्मूले बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल तो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ शुरू में ही आपको महाना दो लाख रुपए तक प्रॉफिट आएगा ये कौन सा बिजनेस है इसको कैसे शुरू कर सकते हैं तो आपको बता दें इसमें ना तो कोई उम्र की कैद है और ना ही तालीम की कैद बेशक कोई बंदा स्कूल से भागा हुआ हो उसके लिए भी इस कारोबार को शुरू करने की अपॉर्चुनिटी है इंटेलिजेंट मीडिया की तमाम वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम के नोटिफिकेशन आपको मौसू हो सके इकबाल के शाहीन ने बीस साल में चालीस लाख रूपए का कबाड़ा करके एक ऐसी डिग्री हासिल की जिसको हासिल करने के बाद मैट्रिक पास बंदे के पास जाके वो बीस हजार रूपए की नौकरी की डिमांड करता है तो ऐसी डिग्री लेने से बेहतर था कि आप किसी स्किल में दाखिल हो जाते आपके पास कोई ऐसा स्किल होता जो आपको बीस हज़ार रुपये की नौकरी मांगने पे मजबूर ना करता स्किल क्या है स्किल को दूसरे लफ्जों में या आम अल्फाज में हम हुनर बोलते हैं हुनरमंद इंसान के पास नौकरियों की कभी भी कमी नहीं होती नौकरियां हुनरमंद को तलाश करती हैं जबकि नौकरी की बात करें तो नौकरी लफ्ज नौकर से स्टार्ट होता है लेकिन जिसके पास हुनर हो वो बिजनेसमैन बन सकता है क्योंकि अगर उसके पास अपना हुनर है तो वो अपना बिजनेस कर सकेगा आज मैं एक ऐसे सेटअप पर मौजूद हूं जो आपको मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं एक ऐसे हुनर की जिसकी दिन ब दिन मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है और आने वाले वक़्त में फ्यूचर इसी का है अगर आप चाहते हैं कि आप महाना लाखों कमा सकें और अपना बिजनेस ट्रेबल कर सकें तो आपके पास ये स्किल होना लाजमी है मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं मियाार साहब इनको माशाल्लाह आप यूट्यूब पे फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे रेगुलर देखते होंगे ये ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिसके बाद ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो निकम्मे भी हो, वो भी अपने काम करने के अहिल हो जाते हैं तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं ये हमें क्या सिखाएंगे कौन से ऐसे गुर देंगे जो गुर लेने के बाद आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकेंगे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अरसलान साहब आजकल सोशल मीडिया पे आपने दो मचा रखी है और लोगों को बता रहे हैं नए नए तरीके ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरनेट से भी पैसा कमाने के हमें भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी बातें सिखाते हैं जिसको सीखने के बाद स्टूडेंट अपने पाँव पे खड़े होकर अपना बिजनेस बना लेते हैं और अपने वालदेन का नाम भी फ़ख्र से बुलंद करते हैं जी सबसे पहले तो ये मेरे सारे पाकिस्तान के जो भाई हैं उन आप लोगों का प्यार है देखने वालों का और जो आते हैं उनका बात कामयाबी की यही है कि जो मैं बताता हूँ जो वीडियोस में होता है अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही यहाँ पे पाया जाता है मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मोबाइल सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान के हर शहर से बाहर से लोग मुझसे ट्रेनिंग लेने आते हैं मैं अलहद इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ बाहर मेरी फीस बहुत ज़्यादा लाखों में है तो लोग इसलिए यहाँ पर स्पेशल टाइम ले यहां यहाँ पर मुझे टिकट खर्च करके मेरे पास आते हैं ताकि वो स्किल सीखें देखें जी मेरा जो मोटिव है जो मेरा मकसद है पाकिस्तान में बिज़नेस को प्रमोट करना आप देख एक बंदा है इंजीनियर है एम बी ए बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल अपनी ज़िंदगी का लगा हैं उसके बाद जो है वो जी दस पंद्रह हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाता है मिल भी जाती है दस हज़ार की नौकरी उससे अच्छा मैं आपको तीस से चालीस दिन में ऐसी स्किल सिखाता हूँ प्रैक्टिकल स्किल अलहमदिल्ला जो पाकिस्तान में इस लेवल पर कोई भी नहीं सिखाता ये मेरा दावा है आपको इस काबिल बनाता हूँ कि तीस से चालीस दिन के अंदर आप जब ये कोर्स ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छा खासा अपना रोज़गार शुरू कर लेते हैं अंदाजन आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे 30 से 40 दिन की ट्रेनिंग्स ली हैं वो महाना कितना अर्न कर रहे हैं सर जो मेरा फ्रेश जो ग्रेजुएट यहाँ से जो बंदा 40 दिन का कोर्स करके जाता है साठ से सत्तर हज़ार वो गारंटी से कमाता है जैसे ही तीन से चार महीने का उसका एक्सपीरियंस होता है लाखों रुपये में वो लोग कमा रहे हैं मेरे इस जो कोर्स है इसमें तलीम और उम्र की कोई कैद नहीं है आप पचास साल के अंकल को भी सिखाया है दूसरी बड़े बच्चे को भी सिखाया है दोनों बराबर अलहमद लाला आपको सिखाने वाला चाहिए यही वजह है कि आपका भाई इस काबल है जो लोग आते हैं कि तलीम उम्र की कोई कैद नहीं है इसमें बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है अगर इसमें तलीम या उम्र की कोई कैद होती तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो फिफ्टी प्लस थे वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे और इसमें एक कैद और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कि फीमेल के लिए आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये सबसे पहले बात जो लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन नहीं सिखाया जाता ये उनको सिखाना नहीं आता अलहमद मेरे नेशनल स्टूडेंट तो हैं ही इंटरनेशनल इतने स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं आप अभी रिव्यूज़ करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन भी पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन में आपको मेरी वो बहनें या मेरे वो भाई जो किसी वजह से बाहर से आ नहीं सके उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक अच्छा? है अभी आपके पास किन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इस सेटअप पर और इस वक्त जो मौजूद हैं मेरे पास जो अलहमद इस महीने जो करके गए स्पेन से आए हैं जर्मनी से आए हैं सऊदी अरब से आए हैं सऊदी अरब से जब चार स्टूडेंट आए हैं ठीक है पुर्तगाल से इस वक्त जो इस महीने में करके गए हैं ठीक है इनके पास पूरी वर्ल्ड से लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर के हवाले से काम सीखने के लिए स्किल सीखने के लिए आते हैं और इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ समझ नहीं पाते कुछ सीख नहीं पाते उनके लिए इन्होंने ये सहूलत दी है कि वो यहाँ पर आएं इनके पास काम सीखें और यहाँ तक कि उनको रहाइश भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनके पास सबसे अच्छी जो सहूलत है वो रहाइश की भी है क्योंकि अगर कोई बंदा लाहौर से नहीं है तो उसके लिए बहुत सी मुश्किल हैं तो... मैंने आपको पहले बताया कि अलमदुल्ला पाकिस्तान के हर छोटे बड़े सिटी से और बाहर से लोग आते हैं सबसे पहला मसला होता है रिहाइश अलहमदिल्ला पाँच छः हॉस्टल मेरे पास अवेलेबल है आपका काम है सिर्फ आना हमारे लोगों के माइंड में दो बातें होती हैं एक ये कि बंदा मार्केट में ही काम सीख सकता है मैंने 22 साल हाल रोड में काम सिखाया ठीक है बाद में चेंज क्यों किया है माहौल की वजह से कि एक अच्छा माहौल आप लोगों को तो सिखाना मैंने दूसरा होता है जी लाहौर दूर है मेरे भाई लोग परदेश चले जाते हैं हर जगह चले जाते हैं एक मजदूरी करने के लिए आप एक महीने के लिए आए एक महीने के लिए आपने आना है उसके बाद सारी जिंदगी के लिए आपके लिए रोटियाँ देखिए जी ये एक स्किल है एक हुनर है हुनर जो होता है वो सारी जिंदगी भी सीखते रहें तो वो खत्म नहीं होता उसके सीखने का सफ़र लंबा होता है लेकिन अगर 30 से 40 दिन में आप स्टूडेंट को इस काबिल कर दें कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है और अपना बिजनेस टेबल कर सकता है तो उसके लिए चिल्ला है, है जो मैं बात करता हूँ आप तो दुआएं देंगे आप कहने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कोई मुझे ऐसा काम बता दें कि तीस से चालीस दिन में एक लैपटॉप से ठीक है और आप एक इंटरनेट से अपना काम स्टार्ट कर सकते एक सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है बंदा डिग्री हासिल करने के लिए पंद्रह से बीस साल का अरसा लगा देता है बिल्कुल तो इसमें चालीस दिन तो ज़्यादा नहीं है बिल्कुल ऐसे है मेरे वो भाई जिनके वीज़े लगे हैं या जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास टाइम शॉर्ट होता है वो कहते हैं भाई हमें तीस दिन में उन्हें हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे के प्रटिकल क्लासेस काम करवा के तीस दिन में सिखाते हैं इसमें थोड़ा मैं क्राइटेरिया बताऊँ हम कैसे काम करवाते हैं मेरे पास एक स्टूडेंट आया है बाहर से मोबाइल आते हैं जिनको कंट्री कोड लगे होते हैं फ्लैशिंग होती है और बड़े हज़ार चीज़ें हैं जी मेल होता है एफ लगी होती है अब वो आते हैं ये एक मोबाइल आया उसे कहते हैं बेटा ये ऐसे करना है ये लैपटॉप है ये मोबाइल है अब आप करके दिखाओ इसे कहते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी वाला कोई काम नहीं अगर यही चीज़ें मैं दूसरे इंस्टीट्यूट लिखवाना शुरू कर दूं उन्हें कभी भी समझ नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहता हूँ आपका भाई इतने सालों से इस लेवल पे पूरे पाकिस्तान में कोई काम नहीं करवा रहा प्रैक्टिकल है दूसरी इसमें आपकी फ़ीस की बात है फीस मैं कोई मुझे ऐसा पता बताता जो फीस ऑनलाइन बताता हो सारे कहते हैं व्हाट्सएप करें मैंने हर वीडियो में फ़ीस बताई है आपके चैनल के थ्रू मैं एक और बात करने लगा लगाऊँ कि जो मेरी फीस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है लेकिन इस दफ़ा जो भाई मेरे पास आएंगे वो पंद्रह हज़ार हाफ फीस पे करें प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करें बाकी जो है दस से पंद्रह दिन बाद मुझे फीस पे कर दें ये आपको इंटेलिजेंट मीडिया के तल्ल से मिल रहा है क्योंकि ये फीस तो अपनी टोटली एडवांस लेते हैं लेकिन अब अगर आप 15,000 एडवांस देते हैं टेन थाउजेंड सीखने के दौरानिया में दे देते हैं तो भी काम चलेगा क्योंकि ये इंटेलिजेंट मीडिया का भरम रख रहे हैं दो तो बातें इसमें हो जाएंगी कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं लेकिन कुछ आपके वीवर्स जो मुझे न्यू देख रहे हैं उनके लिए ये यार के जाएं हमें पता नहीं समझ आए पहली बात भाई जो चीज़ हाथ से होगी उसमें समझ न आने वाला सवाल ही नहीं है मैंने कहा जी ये लैपटॉप उठा के ऐसे रखना अगर मैं बताऊँगा अपनी रख अगर मैं कहूँगा ऐसे रखना आप उठा के रखेंगे तो आपको पता लगेगा दूसरी चीज़ इसमें कुछ

वो इनसे भी बातचीत कर सकता है आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बोलें तो आप चस्का लेने के लिए भी अगर आना चाहें तो आपके लिए इजाज़त है लेकिन ये मैं इसमें कहूँगा कि चस्केबाज दूर हैं क्योंकि जी अलहमदिल्ला इतने रियल बच्चे हैं चस्केबाज लोग लोगों की वजह से जो असल लोग होते हैं उनका भी वो पीछे आप देखिए जी दस बंदे आ गए जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए हैं उसकी जगह जो पाँच ऐसे बंदे करने वाले हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा मेरी वीडियो देख के वही लोग कंडक्ट करें वही करें जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं या जिनको आगे बढ़ने का इसमें जॉब वाले करते हैं मेरे पास अलहमदुल्ला आर्मी ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड भी हैं जनरल भी हैं सारे हैं आप इसमें जो लोग करते हैं ऐसे लोग हैं जो लोग कोई जॉब कर रहा है कोई इंजीनियर है उनको भी हम करवाते हैं कि है। मतलब तलीम उम्र के अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी से सहूलत मौजूद है ये पार्ट पार्ट टाइम टाइम भी भी आप आप सीख सकते सकते हैं हैं और इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो साहब जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं इस टाइम उनसे हमारी बातचीत करवाएं और बताएं कि किसने कितना सीखा और किसने कितना कमाया मेजोरिटी जो स्टूडेंट है उनको मैंने भेज दिया है लेकिन जो कुछ बैठे हैं इनसे आप इंट्रो करें इनसे पूछें ये कौन सी सिटी से आए हैं कैसा लगा इनको कैसा प्लेटफॉर्म और क्या નોનો મતલફ ફાય આયધર ઠીક હે જી અબી હમ મિલતે હે સ્ટુડન્ટ સે અસલામુ અલયકમ વાય અલયકુમ સલામ કેસે હે આપ અલ્લાહ કા શુક્ર ક્યા નામ હે અબ્દુલ મૌઇસ અબ્દુલ મૌઇદ અબ્દુલ મૌઇસ અબ્દુલ મૌઇસ અચ્છા અબ્દુલ મૌઇસ સાહબ હમે યે બતાયે કે આપકો જો ટ્રેનિંગ લેતે હુએ કિતની देर होगी ઔર ઇસસે પહેલે આપ ક્યા કરતે થે ઇસસે પહેલે મેને ફર્સ્ટ યર કે પેપર دیے થે તો ફ્રી થા તો અબી મુજે 15 દિન યહા પે હો ગયે હે ઔર આય ઓએસ કા મેરા કમ્પ્લીટ હો ચુકા હે ઠીક હે અબ બાકી એન્ડ્રોઇડ કા રહેતા વો ઇનશા અલ્લાહ સ્ટાર્ટ કરેંગે આપને ઇસકો ક્યું શીખા થા ઇસ સ્કિલ કો ક फ्री बैठने से चाहिए कि बंदा कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई हुनर सीख ले जो आगे फ्यूचर में काम भी है और इस्सान भाई का मुझे मेरे कज़न ने रेफरेंस दिया था वो यूके गया है, है। इधर से सीखे और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है तो इस वजह से मैंने भी कहा कि मैं भी ये सीख लूँ आपको अर्निंग का शौक़ उठा और आपने चाहा कि मैं डिग्री के साथ साथ कोई स्किल सीख लूँ ताकि मैं अपने पाओं पे खड़ा हो सकता आज कल बड़ा महंगाई का दौर है और एक जॉब से तो कुछ भी नहीं मर रहा तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ्री बैठने से अच्छा कुछ सीखा जाए आप अपना कारोबार करना चाहते हैं या फिर किसी मोबाइल कंपनी के साथ जॉब करना चाहते हैं नहीं है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अपना ठीक है और बिजनेस में आप किस कैटेगरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे सीख रहा हूँ ये और उसके अलावा रिपेयरिंग का भी सीखूंगा तो मोबाइल के बारे में जो है ना सारा बिजनेस स्टार्ट करूंगा दूसरे भाई से पूछते हैं असला वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र जी क्या नाम है भाई का अब्दुल अब्दुल बासित बासित साहब आपको यहाँ पर कितने दिन हो गए मुझे एक माह हो गया तकरीबन किस सिटी से बिलोंग करते हैं मैं सरगोदा से सरगोदा से लाहौर में आई हैं स्पेशली ये काम सीखने किस तरह ये शौक उठा ये शौक उठा मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए तो उन्होंने सर अस्लान की वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर सीख लो तो बेहतर हो जाएगा तो इसलिए फिर मैं आया हूँ यहाँ पे लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था तो परेशान था लेकिन जब मैं सर सरसलान के पास आया हूँ तो इनका रवैया देखा है इनका माहौल देखा है इनका समझाने का तरीका देखा है तो माशाल्लाह से मैं तीस दिन में मुकम्मल सॉफ्टवेयर सीख सीखाऊँ जी इन्होंने तीस दिन में मुकम्मल सॉफ्टवेयर सीख लिया और इससे पहले आप क्या करते थे इससे पहले मैं फ्री था क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हुआ था मैं बीमार था कुछ कर नहीं पाया कभी जिंदगी में जॉब किया हो नहीं, नहीं काम होता है फ्रेश बंदे को समझाना तो अरसलान साहब ने फ्रेश बंदा तीस दिन में ट्रेन कर दिया है तो जो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होगा उसके लिए तो और इजी होगा काम को पिक करना ऐसे जी, ही बिल्कुल तो अफ्रीका जा रहे हैं काम जी, हाँ जी इनशा दस दिन तक मैं साउथ अफ्रीका जा जी थैंक यू अस्म कैसे हैं आप जी ठीक क्या कहते हैं आप मैंने अभी बैचलर कम्प्लीट किया ठीक है, है इससे पहले आप स्टडी करते थे करते आपके दिल में कैसे ख्याल उठा के मैं ये काम सीखूँ मुझे इसलिए शौक़ हुआ कि तालीम के साथ हुनर का होना ज़रूरी है क्योंकि तालीम के साथ अगर हुनर होगा तो उसको चार चांद लग जाएंगे बिल्कुल क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी आएँ तो जस्ट आपकी तालीम की डिमांड नहीं रही अब आपको ये बता दें कि जिस तरह ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से गोदाम में स्टॉक बढ़ जाता है और आस्ता आस्ता गोदाम में जगह ख़त्म हो जाती है इसी तरह पाकिस्तान में स्टूडेंट की बरमार भी पड़ी है पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है उन बेचारों को ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल रही है और ना ही कोई प्राइवेट जॉब अब ये सारे तंग आ चुके हैं ज़्यादातर लोगों के दिल में ये शौक होता है कि ऑनलाइन अर्निंग करें ऑनलाइन अर्निंग का सुनते तो बहुत हैं लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिसकी वजह से ये ऑनलाइन अर्निंग कर नहीं पाते स्टार्ट जरूर करते हैं लेकिन अगर कोई फिज़िकली बिज़नेस किया जाए जैसे ये एक स्किल है अगर इस स्किल को सीख के बिज़नेस किया जाए तो ये बिज़नेस आपको चार चांद लगा सकता है जिस तरह ये भाई अपने बैचलर को चार चांद लगाने आए हैं अगर ये काम सीखते हैं इसके अलावा ये ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं जैसे फाइवर है अपवर्क है इसके अलावा ऑल एक्स है डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं वहाँ पे ये अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये शानदार इंटरव्यू पसंद आया होगा अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अरसलान साहब से हम एड्रेस पूछ लेते हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं जी अरसलान भाई आप कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा प्लीज़ सर एड्रेस मेरा जो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि आपके नाम पर बहुत लोग काम कर रहे हैं कहीं गलत फंस जाते हैं तीन चार पाँच दिन बाद मुझे फ़ोन आता है उनके लिए मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरी चालीस वीडियो जिनमें मैंने अपना एड्रेस बताया एड्रेस सिंपल सा है लाहौर प्रेस क्लब है और शिमला पहाड़ी भी ये कहते हैं उधर प्रेस क्लब है आगे आएंगे अटा का पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल सामने आर बी हाइट प्लाजा है बिल्डिंग है अलेवन नंबर पे जी इलेवन में मेरा सेटअप है मेरे पास आए मेरे दोनों नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं मुझसे आने से पहले राबता करें मैं व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल दूंगा आपसे बात करूँगा उसके बाद सही बंदे पास आए सही काम सीखे ताकि कल को ये ना कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया चलें जी अगर आप मियाँ अरसलान साहब से मिलना चाह रहे हैं एड्रेस इन्होंने आपको बता और समझा दिया है कॉन्टैक्ट नंबर इनका स्क्रीन पर है तो इसी के साथ हुमैर अहमद को इजाज़त दें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़